नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को लेकर। इसमें जो है एक बड़ा अपडेट बिहार बीजेपी की तरफ से आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जिससे कि पाकिस्तान के वो रिकॉर्ड जो है वो टूटने वाले हैं। बिहार बीजेपी इन दिनों आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि सम्राट अशोक के बाद, यानी कि कुछ दिन पहले सम्राट अशोक की जयंती थी, उनकी जयंती के बाद अब बिहार बीजेपी देश के सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी रहे वीर कुंवर सिंह की जयंती का आयोजन बड़े स्तर पर करने जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बिहार बीजेपी 75,000 तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बना रही है। इसके साथ ही साथ बीजेपी इन दिनों एक जाति विशेष के वोट बैंक पर अपनी नज़र गड़ाए हुए है। बता दें कि 23 अप्रैल को बीजेपी वीर कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पर जो है एक बड़ा आयोजन कर रही है। यह भी बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह इस मौके पर वहां उपस्थित रहेंगे। ऐसे में बिहार बीजेपी इसे एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करने वाली है। बता दें कि बीजेपी की तरफ से इस 75,000 झंडा फहराने की बात कही गई है। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान में एक साथ 57,000 राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। कहा जा रहा है कि वीर कुंवर सिंह की जयंती के दिन पाकिस्तान का यह रिकॉर्ड टूट जाएगा और भारत में सामूहिक रूप से तिरंगा लहराने का गिनीज वर्ल्ड में जो है यह रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। हालांकि इधर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया है कि यह गैर राजनीतिक कार्यक्रम होगा जिसमें बीजेपी सहयोग कर रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जनता जाने। हमारी भावी पीढ़ी हमारे महापुरुषों के योगदान से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। उन्होंने कहा कि इस हिसाब से यह कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी मामले को लेकर बोलते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वीर कुंवर सिंह की जयंती के बारे में उन्होंने अपना एक खाका बताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से चल रही तैयारियों का उन्होंने अपनी तरफ से जिक्र किया है। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की तरफ से एक और बैठक बुलाई गई थी, जिसमें वीर कुंवर सिंह की जयंती को लेकर चर्चा हुई। इसी बैठक में यह तय हुआ कि 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर 75,000 तिरंगा झंडा फहराने का रिकॉर्ड जो है वह लगाया जाएगा। बता दें कि इस दिन रिकॉर्ड बनाने के लिए विधायकों और सांसदों को टास्क भी दिया गया है। इस बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि वीर कुंवर सिंह जयंती पर 23 अप्रैल को आरा और जगदीशपुर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बिहार एनडीए में सहयोगी जदयू की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि नीतीश कुमार ने पहले ही कहा था कि इतिहास ने वीर कुंवर सिंह के साथ न्याय नहीं किया है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार ने उचित सराहना देने की कोशिश की है, उनके महान योगदान को स्वीकार करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 1857 की लड़ाई के नायक थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में सभी वर्गों को लोगों ने उनका साथ दिया था, यह गर्व की बात है कि उन्होंने। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सामूहिक रूप से झंडा फहराना विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। एक तरह से कह लें कि बिहार बीजेपी के साथ एनडीए, यानी कि बिहार एनडीए के साथी भी इस विश्व रिकॉर्ड बनाने में, झंडा फहराने में उनके साथ शामिल होंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।